तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। हल्क होगन जिनका एज है यहाँ पर 70 साल, उसके होने के बावजूद भी यहाँ पर नया शादी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रॉमेज का सक्सेस होने के पीछे आखिर किसका सबसे बड़ा हाथ है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट आज सबसे बड़ा यहाँ पर स्पेशल डे है यहाँ पर पॉल हेमन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट रॉमेज के साथ इन्होंने जो फोटो खींचा, आखिर ये कौन सी लेडी है और क्या लगती है रॉमेज की। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्मैकडाउन को भी लेकर सबसे बड़ा यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही न्यूज अपडेट और रूमर से जुड़े रहने के लिए। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉल हेमन को लेकर। वैसे यहाँ पर पॉल हेमन का आज बर्थडे है। पॉल हेमन आज 59 ईयर ओल्ड के हो जाएंगे, यानी कि पूरे 59 साल के हो जाएंगे पॉल हेमन। और इन्होंने काफी अपना रोल निभाया पर WWE में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रॉमेज के हिस्ट्रिक रेंज होने के पीछे यहाँ पर पॉल हेमन का ही हाथ है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि एक ही रेंज के अंदर रॉमेज ने 4 बार यहाँ पर रेसलमेनिया अटेंड किया था। वैसे गाइस पॉल हेमन अब तक के सबसे बेस्ट काउंसिल हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है इस पोस्टर को लेकर। गाइस यहाँ पर WWE वालों ने ये ऑफिशियली ये पोस्टर यहाँ पर फीचर किया गया है, जहाँ स्मैकडाउन और रॉ पर भी देखने को मिलेगा। वैसे गाइस इस रेसलर में तो रॉमेज ही नजर आ रहे हैं, और भी रेसलर का तो बात ही छोड़ दो। उसके बाद गाइस नेक्स्ट तो फाइनली हम बात कर लेते हैं आखिर ये लेडी है कौन। तो गाइस ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर रॉमेज के सिस्टर है, जिनका नाम है वॉगन एनॉय। वैसे गाइस हमें लगता है ये रॉमेज का रेयर फोटोज होगा जो यहाँ पर अपने फैमिली के साथ ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते होंगे। तो गाइस इसके बारे में आप तो जानते होंगे कि इसके बारे में हम सब पहले भी बात कर चुके हैं। रॉमेज इस समय हाईएस्ट पेड रेसलर बन चुके हैं, इनका सैलरी यहाँ पर $15 मिलियन है। और यहाँ पर रॉमेज ब्रॉक लेसनर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कि ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर सैलरी था $13 मिलियन। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर NXT में CM Punk अपीयर होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे कुछ यहाँ पर NXT को लेकर। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हल्क होगन ने तीसरी शादी कर ली है। इनका एज हो चुका है इस समय 70 साल और इस लेडी का एज यहाँ पर 45 साल। वैसे गाइस इस समय ये हल्क होगन की पहली नहीं दूसरी नहीं, ये तीसरी शादी है इनका, और मात्र इस लेडी का एज है 45 साल। वैसे आप क्या कहना चाहोगे हल्क होगन के बारे में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आज के दिन यहाँ पर नटालिया ने अपना रिटर्न किया था 2 साल, एग्जैक्टली 2 साल पहले। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैट रिडल का यहाँ पर रिटर्न होने का काफी चांसेस बढ़ चुका है। हो सकता है कि यहाँ पर मैट रिडल का काफी जल्द ही रिटर्न देखने को मिल जाए। तो गाइस आखिर है क्या ये यहाँ पर 9/11, काफी लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि नेवर फॉरगेट, आखिर है क्या, हम तो नहीं जानते इसके बारे में। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज का भी डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि होगा यहाँ पर वार गेम के माध्यम से। और इस बार जो वार गेम होगा वो होगा यहाँ पर 30 नवंबर को ओबी एरिना में। तो गाइस आप इस रेसलर को जानते हैं आखिर ये है कौन। तो गाइस ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर दी रॉक की डॉटर है, इनका नाम है एवा। इन्होंने यहाँ पर ब्लड लाइन को लेकर काफी बढ़िया कमेंट किया कि यहाँ पर ब्लड लाइन में वो शामिल हो सकती है या फिर वो आने के बाद अटैक भी कर सकती है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रीमियम लाइव इवेंट होगा उसमें केवल 5 ही मैचेस को देखने को मिलेगा। तो गाइस इस बार जो ब्लड लाइन में मैच होने वाला है वो 2 मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं। हो सकता है कि इस बार रॉमेज का मैच भी यहाँ पर फिक्स हो जाए। उसके बाद गाइस यहाँ पर जजमेंट डे के रेसलरों ने यहाँ पर न्यू मर्चेंडाइज से यहाँ पर टी शर्ट लॉन्च किया, आप देख सकते हैं स्ट्रीट ड्रेस के नाम से। तो गाइस ये रहे आज के न्यूज अपडेट और रूमर जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।